Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं आपको अपने बैग कलेक्शन दिखाने वाली हूँ कि किस टाइप के बैग्स हैं मेरे पास. क्लचेस हैं, टोट बैग्स हैं, बकेट बैग्स हैं, स्लिंग बैग्स हैं. तो ये सारे बैग्स का मैं आपको आज रिव्यूज बताऊंगी और कौन कौन से टाइप के बैग्स हैं वो सारे बताऊंगी. तो let's get started. फर्स्ट एक क्लच है जो कि कच स्टाइल वाला है मेरे पास. एक चेन है ओपन करने के लिए और इसके अंदर काफी सारे स्लॉट्स बने हैं कुछ भी सामान रखने के लिए. दो इसके अंदर चेन है. काफी अच्छा है अगर हमको कुछ ट्रेडिशनल पहनना हो, सूट वगैरह पहने या कुछ स्टाइल का कुछ पहनते हैं तो काफी अच्छा लगता है. मैंने अभी तक उसको काम में दिया है लेकिन मैं सोच रही हूँ काम में लगेगा. दूसरा जो बैग है वो एक स्लिंग बैग है. स्लिंग है, एडजस्टेबल स्लिंग है. आप जैसे भी अपने हिसाब से हाइट के अकॉर्डिंग आपको जैसी भी अच्छी लगती है वैसे स्लिंग एडजस्ट कर सकते हैं. एक ब्रीफ केस स्टाइल बैग है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं. काफी अच्छा है ये. छोटा सा पोर्टेबल एक ही है इसके अंदर चेन जिसमें सामान रख सकते हैं. उसे ना छोट मतलब जैसे कहीं आप जा रहे हो क्लब वगैरह में तो अगर आप इसको यूज में ले सकते हैं क्योंकि फोन वगैरह कहाँ रखोगे आप वैसे तो अपने पास कुछ बैग रहेगा तो अच्छी बात है ना इसलिए. और एक छोटा सा यहाँ पे भी है लेकिन इसमें क्या ही रखोगे आप. मैं तो कुछ नहीं रखती, मैं तो सारे जितने भी सामान है वो इधर ही रखती हूँ. देन है एक टोट बैग. एक तरीके का टोट बैग है, काफ़ी अच्छी कलर है इसका और बहुत डार्क है तो गंदा भी जल्दी ही दिखाई देता है. एक यहाँ पे है इसी पॉकेट सा और इसके अंदर मेरे को है ना साथ में एक छोटा सा पाउच भी मिला था छोटा सा. क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. एक बहुत बड़ी सारी इसके अंदर पॉकेट है. चेन है, उसको हम आराम से बंद कर सकते हैं. जनरली इसको मेरी मम्मा यूज़ करती है कुछ भी आसपास से कुछ लाना होता है तो वो ये बैग लेके जाती है. देन एक और बैग है पीच कलर का, मतलब थोड़ा पीच कलर से थोड़ा ढाकी है. ये मैंने सरोजनी नगर से लिया था, शायद 200 या 250 रुपए तक के आसपास था. ये दो चेन है इसमें, काफी अच्छा बैग है. और ट्यूशंस वगैरह अगर या ऑफिस जाने के लिए काम में ले सकते हैं इसको. एक छोटी छोटी दो दो चेन और हैं. इधर की साइड भी पॉकेट है और इधर की साइड भी पॉकेट है. काफी प्यारा सा बैग है, कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और डिजाइन भी काफी अच्छी है. देन ये बैग है एक ब्लैक कलर का, एक तरीके से टोट बैग ही है. दो चेन है, बड़ी मेरा सामान पड़ा है थोड़ा बीच बहुत है ना. हाँ, दो बैग दो चेन है इसके अंदर, एक छोटी सी चेन भी है और आगे ये भी है. तो जैसे रखना चाहो सामान को वो सामान आप इसमें रख सकते हो. ट्रेन वगैरह के लिए सबसे अच्छा बैग मुझे अगर आपको कुछ ट्रैवल करना है सबसे अच्छा बैग. और इसकी एक और चीज़ अच्छी है, ये जो है ना हम इसको ऐसे तो यूज़ कर ही सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे ऐसे ये बटन हैं जिन इसको ऐसे बंद कर दो चेन कर दो, देन ये बंद कर दो और इस बैग को हम भी यूज में ले सकते हैं. तो इसलिए मुझे ये बैग ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा बैग लगता है. लास्ट बैग मेरा जो है वो एक बकेट बैग है जो सबसे अच्छा बैग है मेरा और रोज मैं इसको ऑफिस लेके जाती हूँ. ये ऐसे भी इसमें तो पकड़ने के लिए तीन चीजें हैं. सबसे पहले ये जो कि बहुत ही क्लासी है, सब कलर भी बहुत अच्छा है. देन ये ऐसे पकड़ सकते हो और फिर तीसरी चीज स्लिंग जो एडजस्टेबल है वो भी ऐसे भी पकड़ सकते हो आप. फिर इसके बाद में इसका एक बहुत बड़ी सी पॉकेट है जिसमें मेरी दो बॉटल टिफिन और एक्स्ट्रा सामान भी आ जाता है. फिर इसके पास में साथ में मुझे एक पाउच भी फ्री मिला था जो कि मैं हमेशा इसी के अंदर रखती हूँ और सामान रख लेती हूँ. तो जैसे अलग से कुछ चीज़ें रखनी हो आपको डेली नीड की तो वो आप इसमें रख सकते हो. तो ये था मेरा बैग कलेक्शन. अगर इनमें से आपको कुछ भी पसंद आता है तो इस टाइप के बैग आप मार्केट से या ऑनलाइन ऑर्डर कैसे भी कर सकते हैं. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करें. थैंक फॉर वॉचिंग. बाय बाय.